ladies and gentlemen very warm, warm welcome to the max weber theory of social change lesson 3 we are here now with a very important part after the long historic perspective of the different theories of the entrepreneurship now we reach to the point where we need to understand the partial part of economics then what is the relevant link between the sociology, psychology, human behavior, culture, attitude, and moreover the cosmology. अब आप सवाल मुझसे ये करेंगे कि कॉस्मिक अफेयर्स का इससे क्या ताल्लुक कॉस्मोस का क्या ताल्लुक है और साइकोलॉजी जब देख ली मीशत देख ली इकोनॉमिक्स देख ली फिजियोलॉजी देख ली इंसानी जबिलत भी देख ली फितरत जबिलत खसलत जो खसलत तब्दील नहीं होती नेचर चेंज नहीं होती इन सब की हम स्टडी कर रहे हैं स्टडी करते हुए जब हम देखते हैं तो सोशल चेंज से मुतलक जब हम सवाल करते हैं तो ये थैरीज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो इसका जवाब ये है कि मैक्स वेबर की थेरी जो है मैंने आपको जैसे अर्ज किया था कि छः थेरीज ऐसे हैं जो ज़्यादातर इकनॉमिक्स जो इकोनमिस्ट हैं उनकी तरफ से ड्राइव हुई और बहुत कम थेरिस्ट हैं जिन्होंने आंटरप्रनशिप की जो है वो सोशल चेंज की थेरी को डेवलप किया आप ये देखते रहे कि शम्पीटर साहब को जब हमने देखा तो उन्होंने बहुत सारी डिटेल के अंदर जो है वो अपनी प्रॉफिट मोटिव्स को देखा फिर उसके अंदर ह्यूमन in इंटेंशंस को देखा रिस्क टेकिंग को देखा बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट्स को भी देखा और कल्चरल एटीट्यूड्स को भी देखा प्लस लेकिन उनका ज्यादातर गौर मनापली ओलीगोपली डोलीगोपली डुओपली इन सारी चीज़ों की तरफ भी था मैक्स वेबर साहब जो हैं वो अब जब बात करते हैं जिसमें लेसन थ्री में हम बात करने जा रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पर बात कर यानी कि मैक्स वेबर साहब जो हैं वो उनके ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिक जो थी वो थी जो उन्होंने हिंदुजम पे की इनकी तरक्की ना करने की वजह जो है वो मजहब मजहब या मजहब परस्ती है जो बाद में क्रिटिक्स की वजह से काफ़ी सारी सामने आई और उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने या हिंदू मज़हब ने या हिंदुस्तान ने तरक्की तो की क्योंकि बेसिकली तो वो सोशलिस्ट हैं अब सोशलिस्ट होने के बावजूद जो तरक्की का मैार है उसको उन्होंने किस तरीके से लेके चले तो बेस लाइन के अंदर वेबर साहब कहते हैं कि सोशल चेंज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुख्तलि वेरिएबल्स के साथ यानी साइकोलॉजी तो है साइकोलॉजी के ऊपर सबसे बड़ा असर वो कहते हैं मजहब का होता है जिसके ऊपर मजहब का असर होता है उससे तीनों वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं मसलन वो मीशत को भी तब्दील करती है वो साइकोलॉजी को तब्दील करती है बिहेवियर को तब्दील करती है कल्चर को तब्दील करती है नॉर्म्स को तब्दील करती है एचिट्यूड को तब्दील करती है फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारे ऐसी रसूमात हैं जिसकी वजह से दस दिन काम छोड़ देते बहुत सारी ऐसी रसूमात है जिसके लिए आप पूरा पूरा साल सन्यास ले लेते हैं बहुत सारी ऐसी रसूमात है जिसकी वजह से आप आ, अपनी मजहबी फुलफिलमेंट के अंदर आपके अंदर फ्रोशियसनेस आ जाती लेजीनेस आ जाती तो मैक्स वेबर उसको चैलेंज करते हैं कि ये फ्रोशियसनेस आपकी लेजीनेस आपकी लथार्जिकनेस आपकी जो ये बाकी चीज़ें हैं जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपकी जो आइडिया ऑफ मोटिव है या प्रॉफिट मोटिव है उसके अंदर बड़ा असर पड़ेगा इंडस्ट्री के अंदर फर्क पड़ेगा आपकी सोशल नीड्स में फर्क पड़ेगा आपकी मामला के अंदर फर्क पड़ेगा तो उसको वो रिलेट करते हुए कहते हैं कि ये मजहब ने क्या किया बेसिकली इसका लफ्स वो कहां से कॉइन करते हैं हम देखते हैं इसके लर्निंग आउटकम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्स वेबर थ्योरी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल ट्राई टू रोल अप विद रोल कैप रोल ऑफ कैपिटलिज्म प्लेड इन शेपिंग एंटरप्रेन्योरशिप अब इसको जरा समझने की कोशिश करें कि कैपिटलिज्म तो आइडिया आ गया सरमायादारीत या सरमाया परस्त होना या सरमा की समझ होना या सरमा को आ, किस तरीके से फ्लो देना किस सारा का सारा इसमें आप अब अगर आप ये समझें कि तीन चीज़ों के साथ मैं चलूंगा सबसे पहले आइडिया ऑफ एडम स्मिथ आया था कैपिटलिज्म दूसरा आपके पास आगे, आ गया कम्युनिज्म कम्युनिज्म जो है वो कान मार्क्स साहब का था इसको आहिस्क जो है वो मैक और एंजल ने आगे आगे लेके लेते गए और बहुत सारे और थेरिस्ट आए फिर लेन के बाद जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म वो बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से मार्केट में आया बेसिकली जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म था वो कैपिटलिज्म का रात था यानी पूरी सरमायादारीत से हट कर इश्तरात अब ये दोनों मुश्किल है इसको परेशान मत हो सरमादारीत यानी मेरे पास टोटल जितना मैं कमाऊंगा उतना मेरा सरमा होगा उतना मेरा इन्फ्लुएंस होगा उतना मैं मार्केट को रन कर सकता हूँ उसमें उतनी मेरी मार्केट में से होगी इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए यानी मैं पाँच लाख कमा रहा हूँ एक यानी चार भाई हैं और एक जो है वो चार लाख कमा रहा और एक जो है वो तकरीबन पच्चीस हजार कमा रहा जो एक है वो दस हजार कमा रहा और एक कुछ नहीं कमा रहा एक तो रेशो में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन अगर ये चारों के चारों जो है उनको वो अपने वालिद के पास जाए और वो कहें कि ये टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन बन गया और चार लाख पैंतालीस हजार या चार लाख पैंतीस हजार अच्छा अब वो चार लाख पैंतीस हजार को डिवाइड कर दे तो चार लाख जो कमा कर दे रहा है जो बड़ा मेजर चांक है उसको भी उतना ही मिलेगा जितना जीरो वाले को मिल रहा है सो so इसका मतलब है ये डिवाइड मुका बराबर नहीं है वो मुश्तिल होगा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा यही वो आइडिया था जो सोशलिस्ट आइडिया में आया यानी सरमायादार कहता था कि जितना मैं इन्वेस्ट करूँ उतनी मेरी मार्केट में इन्फ्लुएंस हो और उतना जो फॉर एग्जाम्पल आप कमा रहे हैं तो आपकी सेविंग ज्यादा हो इस चीज़ को समझने के लिए एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज में क्या हुआ कि उन्होंने कहा और जिस तरीके से सिर्फ ये नहीं मैक्स वेबर साहब नहीं कह रहे इस्लाम भी इसके बहुत नज़दीक बात कर वो कहता है ऑफ सोशल चेंज ये है कि आप सब बराबर तौर पर कमाएं और अलकासिब हबीबुल्ला बने और जितना मैक्मम आप इनपुट करेंगे सब लोग अपनी ह्यूमन वेल के मुताबिक ह्यूमन कैपेसिटी के, के मुताबिक प्रोडक्टिविटी पेश करें और जब तक वो प्रोडक्टिविटी पेश नहीं करते तो सोशल इकोलेबरिजम डेवलप नहीं होगा वो बैलेंस नहीं होगा अब आगे चलते हैं मेन थ्योरीज को हम जरा गौर से जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं जी अब अगर हम यहां देखते हैं तो सबसे पहले he proposed that the capitalism was largely inspired by the religion especially calvinism social and the political force being other factor calvinism को जी समझिए calvinism का समझना बहुत जरूरी है orthodox थे protestants थे calvinism का मतलब है आपने द लॉर्ड द हायर लॉर्ड को खुश करना है अच्छा हायर लॉर्ड को खुश करने के लिए क्या तरीका कार है जिस तरीके से आपने क्रिश्चियनिटी के अंदर देखा होगा जैसे दो बड़े मजाहब के अंदर आपको डिवाइड मिलती है वैसे तो बहत्तर अस्सी के करीब आपको डिवाइड मिलेगी इवन आपको जो है गॉस्पल ऑफ लुक्का जॉन मैथ्यू कन्वेक्टिस कन, 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 कन उसमें बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी लेकिन बहत्तर के करीब जो है वो उनकी फॉर्म्स अलग हैं तीन सौ पचहत्तर के करीब अगर आप बाइबल को देखें वो अलग है लेकिन उसके ऊपर चार के ऊपर इतफ़ा होता है और आमतौर पर बहत्तर पे भी इकफ़ा करते हैं अच्छा जिस तरीके से बहुत सारे मसाले उनके अंदर हैं इनके अंदर भी है यानी लेकिन दो डिवाइड जो आमतौर पर क्रिस्टानिटी में मिलती है वो है प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कहते हैं कि हमें फेरी ऑफ प्रीवेल की तरफ जाना चाहिए मैक्सिमम खुदा किस चीज़ से खुद छोटा है तो उसके ऊपर मैक् अगर ये कहते हैं कि आपके जो जो फ्रोशियसनेस है आपकी लेजीनेस है आपका सुकून से बैठना है आराम परस्ती है काम करना करना बॉडी की प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल ना करना दिमाग की जहन की कल्ब की रूह की प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल न करना कि बिल्कुल सोशल इम्बेलेंस को क्रिएट करती है मसने का आदमी तो काम करेगा बाकी दूसरा कहेगा मैं रहवानियत में हूँ सुनाचे मैं जो है तकाफ में बैठूंगा मज़ब करूंगा तहजद पढ़ूंगा और जब मैं तहज से लेट उठूंगा सात बजे सोऊंगा तो ऑब्वियसली मैं मुश्किल से दो बजे उठूंगा तो दो बजे तक आपके ऑफिस बंद हो चुके होते सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियलिटी अब मैं तेजी से इसकी तरफ जाना चाहता हूँ वेबर जो है वो इसके ऊपर कहते हैं कि इसके अंदर एथिक्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमिक फैब्रिक्स डेवलप होते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ आती है और वेंचर ऑफ फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल सेविंग्स आती है इसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द दैलवनिस्ट डॉक्टर लाइफ नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छा अब वो जो कैलवनिस्ट ऑक्ट्राइन है उसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि हार्डवर्क को पसंद करता है अभी कैलवनिज्म का जो आइडिया है एंड द प्योर लाइफ यानी प्योर लाइफ का मतलब है नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ अच्छा नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब ये नहीं वो निकाल रहे लेकिन उसके अगेंस्ट जो आइडिया उनको सोशल कल्चर मिला जिसके अंदर के स्टडी में उनको हिंदुज़म देखा आप ये कोई बहुत अलग बात नहीं कर रहे हैं मैक्स पर अगर आप सिर्फ तीस साल पीछे ही चले जाएं तो चाइना के अंदर आपको यही कुछ मिला था टोटल सत्तर साल की तारीख के अंदर जो है 1949 में माओ को इन्हीं तरीके की मुसीबत थी और उन्होंने चाइना के अंदर लोगों को अफीम पीते देखा आ, कुछ लोग मजहब पूरा माशरा मजहब ज़दा था मजहब परस्त होना मजहब ज़दा होना में बड़ा फ़र्क है मज़ब इख्तियार करना मजहब की इज्जत करना खुदा के ऊपर यकीन करना डिविनिटी के ऊपर यकीन करना डिवाइन नॉलेज को समझना हबीबुल्लाह को समझना और खुदा ये बार बार अपने आ, सेक्रेट स्क्रिप्चर्स में कहता है कि काम करो काम करो और काम करो मेरा हाथ बटाओ तो जब आप इन चीज़ों को माइनस करके ये कहते हैं कि मैं आ, आप आसानी इख्तियार करते हैं और आप कोने खुरे में चले जाते हैं जंगल में चले जाते हैं तो इसको रहबानियत कहते हैं जिसको किसी भी मजहब में पसंद नहीं किया जाता यही बात मैक्स वेबर कहते हैं लेकिन उनके बाद में क्रिटिक भी हुई सो so, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लियर कट आपको अरेंजमेंट दिखा देते हैं और सेग्रीगेशन देखते हैं हु लेड टू जो एथिक्स हैं बेसिकली वो बताते हैं मैक्स वेबर के एक वर्क एथिक्स को डिवेलप करता है मजहब के मकासद में से सबसे अवलिन मकासद ये कि वो आपको एथिक्स देता है झूठ नहीं बोलना गबन नहीं करना किसी का माल नहीं खाना आपने पसीना खुश्क होने से पहले लेबर को आपने पैसा दे देना यही वाली पूरी बात दुनिया के सारे फिलोसोफर्स ने की सबसे पहली बात यह कि अपना काम फिर सबसे पहले अगर आपको आठ घंटे के लिए लिया गया है और आठ घंटे के अंदर आपने प्रोडक्टिविटी नहीं दी जापान में ये कल्चर था कि अगर आठ घंटे के अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं करनी और अपने बड़े को आकर आपने जवाब दे नहीं होना अकाउंटेबल नहीं होना और आपने प्रोडक्टिविटी तीस टन की अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जरात में कोई चीज की है, वो अगर आपने एंड रिजल्ट नहीं दे सके तो वो खुदकुशी कर लेते थे इज्जमाही खुदकुशी कर लेते थे ये जैपनीज कल्चर का हिस्सा है इसी तरीके से मैक्स वेबर भी यहां पर बात करते हैं कि कैलवन लेड एन स्थेटिक लाइफ स्टाइल दे वर्क लॉन्ग आवर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड दे व्यूड आइडलनेस एज अ सीन यानी वो गुनाह समझते थे अपने आप को अकेला रखना और अकेला बैठना इसको मजीद मजीद में में आने वाले टॉपिक्स कवर करूंगा एंड एंड देन मनी इन्वेस्ट नॉट स्पेंड वो कहते थे पैसे को जमा करो पैसे को सही तरीके से खर्च करो पुल पुल पुल, पुल बनाओ चीजें बनाओ लोगों की आसानी के लिए करो आसानियां तकसीम करो और आसानियां के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करो स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म जो है वो रिक्वायर्ड कैपिटलिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हार्ड वर्किंग वर्कफोर्स वैलिडेट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सो दिस इज हाउ मैक्स वेबर लीड वो कहते हैं कि सिर्फ एथिक्स के साथ कैपिटलिज्म तो तो की स्पिरिट को तो समझिए और स्पिरिट ये है कि जितना आप ज्यादा बढ़ाएंगे जितना आपके ज्यादा पुरसुकून तरीके से आपके पास रिसोर्सेज होंगे उतनी अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे ये कोई तो तरीका नहीं है कि आप लेजीनेस और अपनी पूरी जिंदगी को जमूत में ले आए और जमूत में लेकर आप खुश्क हो जाए और खुश तरीके से ज़िंदगी गुजारें और जंगलों में निकल जाएं ये कोई तरीका नहीं दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर जिसकी वजह से आंट्रप्रेन्योर बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और इस आइडिया ऑफ मैक्स रेवर में ये सोशल चेंज का सबसे बड़ा आइडिया जो है वो यहाँ आंटरप्रेन्योर्स बन थैंक यू वेरी मच